कलर्स टीवी पर आने वाले सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास के दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जाता है। तो वही सौम्या यानी कि रूबीना दिलैक के जाने के बाद हीर के किरदार में जिज्ञासा को खूब प्यार मिल रहा है और दर्शक इन्हें खूब देखना पसंद भी कर रहे हैं। तो वही क्या आप सभी जानते हैं कि हीर का किरदार जिज्ञासा को देने से पहले मेकर से किरदार टीवी की 5 मशहूर अभिनेत्रियों को ऑफर किए थे, मगर किसी न किसी वजह से उन सब ने एक किरदार करने से मना कर दिया। तो आइए आप सभी को बताते हैं कि कौन कौन सी है अभिनेत्रियाँ। 1, अलीसा पनवर। कलर्स टीवी का पॉपुलर शो इश्क मरजावा में अलीसा को खूब पसंद किया गया था और इस शो को करने के बाद अलीसा कई शो में नजर आई और इसी की वजह से मेकर ने हीर का किरदार सबसे पहले इनको ही ऑफर किया था, लेकिन अलीसा ने इस किरदार को ठुकरा दिया क्योंकि वो इस रोल में खुद को फिट नहीं मानती थी। जन्नत जुबैर रहमानी। बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाली जन्नत आज टीवी की महंगी रोलों में गिनी जाती हैं और वहीं सोशल मीडिया पर इन्होंने बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों को भी पीछे छोड़ दिया और इसे देखते हुए मेकर्स ने उनको भी हीर का किरदार निभाने का मौका दिया था, लेकिन जन्नत ने इस किरदार को करने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि अभी जन्नत ऐसे मुश्किल किरदार को निभाना नहीं चाहती थी। 3, निया शर्मा। जमारे जा सीरियल से घर घर में पहचान बनाने वाली अभिनेत्री निया शर्मा को आज किसी भी पहचान की जरूरत नहीं है और निया शर्मा टीवी शोज के अलावा वेब सीरीज में भी काम करती हैं, जिसकी वजह से और भी छाई रहती है और इसको देखते हुए मेकर्स निया को भी हीर का किरदार निभाने का मौका दिया था, लेकिन निया ने किरदार मना कर दिया क्योंकि ये पहले से ही नागिन 4 सीजन को साइन कर चुकी थी। अदिति भाटिया। अदिति ने अपने करियर की शुरुआत काफ़ी छोटी उम्र में ही कर दी थी, पर इनको टीवी पर असली पहचान स्टार प्लस के शो ए मोहब्बते में रूही का किरदार निभाकर मिली और दर्शक इनको रूही के किरदार में काफ़ी पसंद किए थे और इसी वजह से मेकर्स ने एक किरदार इनको भी ऑफर किया था, लेकिन अदिति कुछ समय के लिए टीवी से दूर रहना चाहती थी जिसकी वजह से इन्होंने भी किरदार निभाने से मना कर दिया। 5, सुरभि ज्योति। सुरभि को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जाता है और इनको हाल ही में नागिन 3 सीरियल में काफ़ी पसंद किया गया था, जिसको देखते हुए मेकर्स ने हीर का किरदार सुरभि को भी ऑफर किया था, लेकिन सुरभि ने पता नहीं कि इस किरदार को करने से साफ मना कर दिया और अंत में किरदार जिज्ञासा को मिल गया और अभी जिज्ञासा को हीर के किरदार में खूब पसंद किया जा रहा है और इनके काम को भी खूब सराहा जा रहा है। तो अब आप सभी को हीर के किरदार में जिज्ञासा ही अच्छी लगती है या फिर इन सब अभिनेत्रियों में से कोई और आपको फिट बैठती है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं आप सब में वीडियो में।